दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। हरी तो ये रही हमारी मिल्की, जिसने अभी भी नाश्ता कर लिया है। अच्छा, ये नाश्ता था, पापा उठा के ले गए हैं। और दोस्तों देखिए, ये ड्रेयर की तरफ बढ़ रही है, सब चाहिए उसे। और यही गलती हम लोग से हो भी जाती है, जितना छुपाने की कोशिश करते हैं वो निकल निकल के बाहर आता है। ये देखिए, जाना चाह ही नहीं रहा, इसको यही चाहिए। हाँ, उसको ये सब चाहिए, और ये सब चीज़ लेने आती है, इसी में गिर गुरा जाती है। जा जा दोस्तों, इसका नाश्ता हो गया, हम लोग का नाश्ता हो गया है, इसको छोड़े बिना नहीं जा सकती भाई मैं। ये लही हमारी कुकी, इसको डांट पड़ी है सुबह सुबह, इसका तो काम ही डेली डांट खाना। अरे ये रहा मेरे पति, दिखा दूं, खाना बनाने की तैयारी में लगे हैं, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, कला के किराने का सामान है ना, जो फाड़ फूड़ के कर दिए कुकी, है ना, बैंड बजा। अरे यार, इसको इसको छोड़ नहीं सकते यार, ये देख झांकने की कोशिश कर रही है। हाँ बेटा, तुम यहाँ पे रहो, है ना। और दोस्तों, यहाँ पे इतना सारा इसने सामान गिरा दिया ना, ये देखिए यहाँ पे इतना जगह है, इतना सारा सामान गिरा दिया ना, इसे निकालना पूरा उसके लिए। दूध का बोतल भी गिरा दिया। अरे सब कुछ, इतना कुछ गिरा दिया ना, निकाल के इसका आधा खजाना निकालना है, इसका टॉय का सामान। अच्छा, कैप भी डाली, कल कैप भी इसने गिरा दिया ना। दोस्तों, जो मंकी कैप होता है ना, ये भी गिरा दिया है, दूध का बोतल गिरा दिया, टॉय तो सारी गिराई ही गिराई है ना। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। और दोस्तों, मेरा भी सुबह सुबह एक्सरसाइज योगा वगैरह सब हो चुका है, और मेरा नाश्ता भी हो गया है ना। हाँ, दे दो ताली, दे दो, गिव मी हैंड, गिव मी हैंड, हाँ गिव मी हैंड मिल्की। हाँ हाँ, देती है, देती है, मेरी बात सुनती है ना। ये दोस्तों, जो बचा कुचा सामान था ना, ये सुबह सुबह आ गया है। ये है मिल्की का, ये है डिटर्जेंट, है ना। ये बेबी डिटर्जेंट लिक्विड होता है दोस्तों, ये बेबी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं। और ये वाइप्स है, ऑलरेडी अभी दो दो रखे हुए हैं, लेकिन ख़त्म हो ही जाएगा ना, ये सब ज़रूरत होती है, स्टॉक में रखते हैं। और ये दूध का डब्बा भी ख़त्म होने ही वाला, अभी काफ़ी है लेकिन ख़त्म होना जाने वाला होगा। क्या क्या चीज़, तुमने कितने का पेमेंट किया है? 1500 का, 1400 कितना था? ठीक है, अटोगला, अटोगला नहीं आया इसके साथ, नहीं अलग से आएगा, वो लिखा हुआ था, लेकिन तुमने पेमेंट कितना किया इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या, अटोगला के लिए फोन नहीं आया? नहीं तो उसके साथ आना चाहिए था ना, पेमेंट मैंने पूरा कर दिया, अटोगला नहीं है। नहीं नहीं, तुमने जो बोला 1400 से ज्यादा का पेमेंट। हाँ, 1400 कितना था इसका पे किया, 1600-1700 ऐसा था, 300 और एक्स्ट्रा होगा ना, कि 300 का है, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लिए, सही है ना भाई। मेरे को लगा भाई 1500 मैंने पे कर दिया, और उसमें अटोगला क्रीम था नहीं, है ना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 300 कितने का है, तो फिर 1800-1800 का बिल बनता है ना। क्या कहते हैं अभी, क्या हुआ पता मेरे साथ, क्या बार बार जा रहे कुकर पे ऐसे कर रहे, सीटी क्यों नहीं पकड़ रहा, सीटी क्यों नहीं पकड़ रहा, ढक्कन लगा रही, ढक्कन कुकर के ऊपर रखा होता। ओह माय गॉड, तो ये वही आदमी है, जोक है ना, मैंने वो चढ़ा दिया चावल, सीटी क्यों नहीं मार रहा, तो पक क्यों नहीं रहा, वो कैसे डाला, आप ही नहीं तो बोल था कि क्या कहते हैं, एक गिलास चावल में दो गिलास पानी डालना, तो खोल के देखता है तो तीन ग्लास रहते हैं दोस्तों, जिसमें दो ग्लास में पानी और एक ग्लास में चावल रहते हैं, तो वही वाला कंडीशन है ना। ढक्कन आया मेरे को, हाँ तो ढक्कन ऊपर रख दिया, सोचो सीटी क्यों नहीं आ रहा ना। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, वे महान पति है ना, काम है, मन लगाइए यार। ये मेरी आ गई कुकी, बाहर अंदर बाहर करती रहती है, ठंड में, ठंड में खोलने में जान जाती है हम लोग की। कुकी, पापा सुबह सुबह पिटाई खाए कैसा लगा, क्यों डेली पिटाई खाने का काम करती हो? उसको सुबह सुबह बेबी सो रही है। हाँ। और इसको बढ़िया आजकल चेयर पे सुलाते, कुछ ज्यादा ठंड है तो थोड़ा ऊपर करके सुलाते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, तो इसको नीचे कर दिए सुबह सुबह। हाँ, हाँ। उसके बाद ये जाके उसको चर 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 चर, जैसे हेरा फिर हेरा फेरी में लास्ट सीन में नहीं दिखाता है, वो जोकर वाले सीन में कपड़ा फटता रहता है सबका, और इरिटेशन मच रहा था। उठे पहले इसको झापड़ लगाए, इसको झापड़ लगा तो ऐसे बैठ गई जो एक घंटे तक हिल ही नहीं अपने जगह से। हाँ, अभी मेरे पति देह मना है दोस्तों, जब जाके मानी तो फिर ही फुरफुराना शुरू गई, तो गुस्सा होके सिर नीचे करके बैठ गई, किसी से बात नहीं कर रही थी, सब क्या अलग अलग नख रहे हैं ना। हे कुकू, हे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, ओ मेरा बेटा, पापा आए, पापा आए, खड़ी है। हाँ खड़ी तो रहती है। ओह माय गॉड, लव यू। ए मेरा कुका, पापा ने भी आराम से सो रही थी। ए मेरा बच्चा,
देखिए भाई कहीं लूड़ा कुड़क ना जाए, इसका भरोसा नहीं, खेलते खेलते कब कब लूड़ा कर जाए। अरे बाप रे, बहुत भारी है जानू, 5-5 किलो है। हाँ मैं वो कर रही हूँ, रख दीजिए क्या कुर्सी के ऊपर, कुर्सी को रख दीजिए, कुर्सी को रख दीजिए। दोस्तों शाम हो गई है और मेरे पति देव लाए हैं सब्जी, अब खुद नहीं आए हैं। अच्छा ये हाँ खुद नहीं आए हैं, ये सिर्फ देने आए हैं, डिलीवरी बॉय का काम करने आए हैं, है ना। धनिया थी खुश, हाँ खुश, हाँ। दोस्तों क्या है कि हाँ, और ये क्या क्या है, मेरे चरने के लिए बिस्किट ले आए हैं, है ना। और क्या है, दूध है, दही है, एक एक किलो का, है ना। और इसमें 1 किलो प्याज है, 1 किलो टमाटर है, हाँ। नींबू है, हाँ। आलू है, हाँ। और कंजूस। क्या दोस्तों आने में इनको लेट हो जाता है, 10 बजे तक हो सके आए तो 10 बजे तक, तो फिर दूध नहीं मिलता है, सब्जी फिर रात को कैसे लो, इसलिए ये दे के चले गए हैं ताकि आराम से लेट ले आए। जीरा, ठीक है चलिए। किसी से प्यार नहीं किया इसी कारण जीप से लाइट हो रहा था, अब ठीक हो गया, थोड़ा सा हो जाता है। हाँ वो मैं मेरा ही एंगल थोड़ा तेरे लेके आए हैं। Yeah. तो यहाँ पे ये थोड़ा लाइट के ताकि फोकस अच्छा रहे, ये बड़ा वाला लाइट है, इसको लगा दिए क्योंकि उसे अच्छा लगता है। हाँ क्या कर रही, क्या कर रही मिल्कू, बहुत मारे ओ, पापा ने मारा आपको। हाँ दोस्तों सुबह सुबह मिल्की मार खाई है आज, डेली आजकल मार खा रही है। और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, खड़ी हो जाती है हमारी बिटिया रानी, आपको देख खुश हो रही है। अरे बाप रे, खिलौने पे गिरी यार। हाँ, बस ये ना धम से दोस्तों ऐसे बैठती है, धम से लेट के गिर जाती है, तो ये नीचे ना ये कड़क कड़क खिलौने रहते हैं, तो वही डर लगता है सिर में ना लग जाए। अभी दिखा दूं, कल ही टॉय पकड़ाए थे, देखिए आपको दिखा दूं कहाँ गया इसका हाथ में, ये दिखा दूं, ये देखिए कट गया, ये कट लग गया है, थोड़ा नुकीला वाला टॉय दे दिया था, इसे टॉय देखते हैं, देख के देते हैं कि इससे बच्चे को चोट उठने लग जाए। इसका तो हड्डी नहीं दे रहा अभी, क्यों पता, क्यों ही दे रहा है ना, नहीं वो बेड पे जाके खाते हैं तो पूरा बेड पे व्हाइट रंग का लगा देते हैं, गंदा करके ऑलरेडी अभी बंद, तो जब तक मैं रहूं नहीं अपने, मैं उस तब खिलाता हूं, मैं चला जाता नहीं रहता तो नहीं खिलाता। हां तो मैं निकलता, कितना बजे, थोड़ा देर रुकूंगा, ऐसा क्या 15-20 मिनट रुकूंगा। ओके तो चाय बनाओ, के चाय कॉफी कुछ पीना जानो, मन है अपना, मन है तो बोलो, नहीं आपके लिए बल्कि आपको तो पीने को मिलता रहता, पीते रहते हैं, तो ये बताइए ना कितना पी के आए, इसलिए नहीं मन कर रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हे दोस्तों तो ये देख सकते हैं कि ये है कॉफी विथ थोड़े से स्नैक्स, मुझे लगा तुम बोले कॉफी विथ करण, बोले मत जाना वहाँ पे। देखो दोस्तों उससे पूछ रही थी कैमरा ऑन करके खाएंगे खाएंगे, मतलब कि पियेंगे पियेंगे चाय कॉफी, तब मैं ना कर दी, जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया तो बोले हाँ हाँ बना दो, इतने चालू चा पार्टी मेरे पति देव। तो दोस्तों हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर उसको फटाक से निकलेंगे, इनका टाइम नहीं है, तो मिलते हैं हम बाद में। ओके डार्लिंग बाय। हे दोस्तों तो मिल्की का डूडू का टाइम हो चुका है और पापा का भी जाने का टाइम हो चुका है, मैं डार्लिंग जा रहे हैं। और मैं दोस्तों दिखा दूँ, ये इस मिल्की का आज सुबह सुबह सारा सामान आता है और ये एक्स्ट्रा और सामान आ गया, वो जो अटोगला क्रीम था, डार्लिंग दिखाएंगे थोड़ा निकाल के, क्या तो दिखा दीजिए। हाँ ये जस्ट अभी अभी आया दोस्तों, ये इतनी तो सुबह सुबह आ ही गया था, आप लोग को दिखाई दिए थे। हाँ ये अटोगला क्रीम, ये बच गया था तो ये भी आ गया, कम्प्लीट हो गया। हाँ नहीं पता क्यों लेट आया, जो भी है कोई बात नहीं, साथ ही में आ जाना चाहिए था वैसे, है ना। तो इसका हो गया पूरा मंथली का पैसा। हाँ इसका मंथली सारी चीज़ें, इसकी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मैं अब इसको पिलाऊंगी, मिल्की को डूडू पिलाऊंगी और मेरे पति अब निकलेंगे दोस्तों, तो हम मिलते हैं बाद में। तो ये हो गया है मिल्की के अंडा खाने का टाइम। हाँ हाँ अंडा खाना है दोस्तों, उसकी नींद टूट गई है, रह रह के 2-3 बार टूटी है, मतलब कि इसलिए अनबनी सी भी, क्योंकि प्रॉपरली इसकी अच्छे से नींद नहीं आ पाई, सो रही थी, अभी जस्ट सो के उठी है, क्योंकि इसका अंडा खाने का भी टाइम हो तो बहुत रो रही थी। मैं रोटी बना रही थी दोस्तों, फटाफट छोड़ के मैं आई हूँ, फटाफट कैसे कैसे करके रोटी बनाई हूँ मैं। ही अंडा खाने का टाइम आया ना बेबी का मिले, हाँ अंडा खाएंगे फिर मजा आएंगे, है ना, है ना, अंडा खाएंगे, डांस करके दिखा दो, अंडा खाएंगे फिर मजा आएंगे, अंडा खाएंगे फिर मजा आएंगे, डांस करके दिखा दो, अंडा खाएंगे फिर मजा आएंगे, अंडा खाएंगे फिर मजा आएंगे। ये दोस्तों उदास है लेकिन फिर भी अंदर से थिरक रही है, ऐसा लग रहा है खाना है। ये दोस्तों बहुत सेंटी सेंटी है दोस्तों, तो खिला देते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बहुत देख सकते हैं, बहुत रोई रोई सी, आले ले आले ले आले बाबा आले बाबा आले आले मेरा बेटा है दोस्तों। तो फिर खिलाते वाले मिलते हैं, हाँ हाँ आते हैं आते हैं आते हैं, हाँ या
हाँ ये कैसा है भाई, कैमरा देखते ही ये भी शॉक्ड हो गई कि ये क्या है भाई, मैंने कैमरा कैसे उठा लिया। तो उसको कैमरा देखती ही बहुत अनकॉन्शियस हो जाती है, वो खाने के लिए इसका मुंह बंद हो जाता है। अब बिना कैमरे के बहुत प्यार से खाती, इसलिए ना खाते टाइम ना इसकी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, नहीं तो इसे खाने में इफेक्ट करता है ना। मतलब बच्चा अच्छे से खा रहा नहीं अम्मी अम्मी, हाँ है ना, हाँ 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 बेटा, हाँ 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 ओके ओके ओके, चलो अच्छे से खिलाएंगे तुमको। तो कैमरा ऑफ करते हैं भाई, मेरी बच्ची डिस्टर्ब हो रही है। ओके पापा आ गए। अंडू खा रही थी, मिल्क अंडू खा लिए, फिनिश कर लिए अपना अंडा। बेटा ये हैंकी हटाओ, नहीं अपने आप बन गया चोटी। मेरा बच्चा खुश हो जाता है, मेरा छोटा बच्चा वाले मेरा सोना बेटा। अली क्या बात है, हाथों में हाथ है। मजा आया बिना बोले, क्योंकि मेरे डांट खिलवाने के लिए लेके आए हैं। याद ही मम्मी बोल रही थी जंक फूड मत खाया करो, और फिर से मेरे पति देव मुझे डांट खिलाने के लिए लेके आए हैं। एक सेकंड। ए बिल्कुल क्या हो रहा ले, ऐसे मुझे कुछ दिखाई इसलिए मैंने। अच्छा हे बेटा, हाँ सबको सबको देंगे, दो मिनट हाथ पर धो ले इसको, देखो जरूर। पापा फ्रेश होके आए, फिर सबसे मिलते हैं। ओके जुगाड़ू किचन में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज आपको इंटरेस्टिंग डिश बना के दिखाऊंगी, जो कि खा के मजा आएगा, क्योंकि डेली सब्जी रोटी तो खाते हैं, लेकिन सब्जी रोटी को कैसे इंटरेस्टिंग बना के खा सकते हैं। अरे डिश वैसे राजस्थान साइड में सब लोग खाते हैं, उनसे ही मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ ये डिश देख के, उसी से मुझे आइडिया आया है। लेकिन टेक्निक मेरा है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया उसमें से लिया है कैसे बनता क्या है, लेकिन परफेक्टली नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया उसको देख के कैसे बनाया जाता है और कैसे हम अपने खाने को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि ये इंटरेस्टिंग खाना आप भी घर में बनाए, और बच्चे जो नहीं खाते हैं या आदमी जो खा खाते हैं बोर हो चुके हैं, इस समय से तो बैठे नहीं बैठे, उनके खाने में ताजगी आए। ठीक है ना, और जानू ये जुगाड़ू किचन नहीं है। तो दोस्तों आजकल ना लोगों का सुनो तो सही, आजकल लोगों का डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, ये डेस्टिनेशन किचन है। तो दोस्तों ये डिश में क्या क्या लगता है, मैं पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्या क्या चीज मैंने वो किया है। तो मैं दिखा दूँ, प्याज है, दो बड़े बड़े प्याज कटे हुए हैं, ठीक है ना, टमाटर है, दो बड़े बड़े कटे हुए, धनिया है, नींबू है, हरी मिर्च है, और बढ़िया एक कटोरी पूरी दही है, और छौंक के लिए जीरा है, और ये राई के दाने हैं। अच्छा दोनों और हाँ हींग है, ये सब छौंक में यूज होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसके लिए रोटी। अच्छा हाँ ये रोटी जो कि मैंने बना लिया हुआ है, बना के रख दिया हुआ है। तो चलिए हम डिश शुरू करते हैं, और आपको बाकी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे करना, क्या डालना है, क्या है, वो तो पता ही चल जाएगा। और रोटी दोस्तों अगर आपको नहीं आता बनाने तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाँ, मैं सिखाऊंगी कि रोटी बनाया कैसे जाता है, प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि हमें रोटी नहीं आता, प्लीज आप हमें सिखाएं, तो वो भी मैं सिखाऊंगी। आटा भी कैसे गूंथते हैं ना, वो उसका भी आपको आइडिया दूंगा। हाँ कैसे हाथ को फेरते हैं आटे। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं।
दोस्तों बन चुकी है मेरी ये सब्जी रोटी एक नए स्टाइल में नए पैटर्न में बहुत ज्यादा डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक नंबर। ओ मम्मी मतलब कुछ हाथ से ना हो पाए तो पैर से गिरा दो। पैर से मार रही थी। ठीक खा के टेस्ट करके बताइए। हाँ, बिल्कुल मैं तो एक्साइटेड हूँ यार खा के टेस्ट करने को बताने को। देख सकते हैं ये बाइट क्या मजेदार गरम में डालेंगे। हाँ तो टेस्ट देख देख के ठीक है ना पता चल कि जीभ जला लिए। नमक नमक कैसा डार्लिंग यार ये बहुत अमेजिंग है यार। मस्त बढ़िया है टेस्टी बढ़िया है यम्मी है। तो दोस्तों मतलब आप भी इस तरह बिल्कुल रोटी सब्जी को बढ़िया स्टाइलिश पैटर्न बना के एंजॉय कर सकते हैं। गजब यार गजब है डार्लिंग बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। इसमें जो फ्लेवर आ रहा है ना दही नींबू थैंक यू सो मच। मेरे पतिदेव खाना खाएंगे। थैंक यू सो मच जानू बेहतरीन डिश बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे ब्लॉग से नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलते रहे। तो आज का रेसिपी वाला ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। उसको नाम क्या बोलेंगे जानू? मेरे को नहीं पता। खावड़ा टावड़ा चावड़ा। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।